हिजाब को लेकर कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। अदालत ने साफ कर दिया कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले पर लखनऊ की मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं, सुनिए उनको। हिजाब को लेकर के कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है और ये कहा है कि अनिवार्यता नहीं है कि इस धर्म में भी हिजाब को पूरी तरीके से पहना जाए। जगह जगह से अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। इस समय हम पुराने लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में महिलाओं का क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले पे? अपना नाम बता दीजिए। तरन्नुम अली। तरन्नुम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो फैसला आया है कोर्ट का, इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? हिजाब की अनिवार्यता जो बोला गया था, जो याचिकाएँ दायर की गई थी, उन सभी को खारिज किया है कोर्ट ने। जी सर, जहाँ तक सोचा था ये चीज़ गलत है। इस टाइम ये जो है सिर्फ एक सियासत चल रही है और कुछ भी नहीं है। 3 महीने में हिजाब को इतना उछाल दिया गया है कि मतलब लगता है उससे बुरा कोई चीज़ है ही नहीं। स्कूल को लेकर के ये कहा गया कि स्कूल में सबकी जो ड्रेस होती है वो एक तरीके की होनी चाहिए, लेकिन जब हिजाब को पहन के कोई जाएगा या कोई और दूसरे तरीके से जाएगा तो वो अलग हो जाएगा। आपकी क्या राय है इसमें? इसमें हमारी राय तो यही है कि जो है हिजाब पहनना चाहिए और हिजाब हमारा पर्दा है, हम जो है ज़रूरी इसको मानते हैं, पहनते ही रहेंगे। आप भी इसको ज़रूरी मानती हैं? बच्चियों के लिए ज़रूरी है अगर बाहर निकलती हैं तो हिजाब पहन के निकलें, सर ढक के निकलें? बहुत ज़रूरी है सर, बेशक ज़रूरी है। और एक बात ये भी है कि जब बच्चियां उसमें स्कूल में दाखिल हो जाती हैं तो क्लास में हिजाब ओढ़ के नहीं बैठाया जाता है, तो वो बाहर उतार देती हैं। जब अंदर गेट के दाखिल होती हैं तो सब एक ही ड्रेस में होती हैं, तो सरकार को इस चीज़ से आपत्ति क्यों है? क्यों उनको इस बात की टेंशन है? क्योंकि हमारी बच्चियां जो घर की होती हैं वो हिजाब को क्लास में नहीं पहन के बैठती हैं, क्लास के अंदर उतार देती, क्योंकि ये पता है, ये संभ्यता है कि एक ड्रेस में बच्चा जब रहेगा तो एक जैसा दिखेगा। आपको लगता है कि हिजाब पहन के जाने से लिए आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, ज़्यादा बेहतर होता है? जी, नकाब ज़रूरी है पहनना, हम लोग को पर्दा है मुसलमान का, हम लोग हमेशा छोटेपन से पहनते आए। आप बताइए, आप स्कूल में पढ़ती हैं, आप जब जाती हैं तो आपको ये हिजाब क्या वाकई में कंफर्टेबल रहता है, पहनना ठीक लगता है आपको वहाँ पे? जी, हमको बिल्कुल अच्छा लगता है और हमको बहुत कंफर्टेबल भी फील होता है और हमको सेफ फील होता है स्कार्फ करके। हमको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है और मुझे लगता है कि इसमें दूसरे को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है इसको लेकर? हमारी राय यही है भैया कि जो है नकाब हमारा पर्दा है और मेरा हिजाब है, हम लोग ने आँख खोल के यही देखा है और ये सेफ्टी हमारी, हमारे बच्चे जा रहे हैं, हम घर में बैठे या स्कूल जा रहे हैं तो अंदर गए तो उन्होंने उतार दिया, बाहर से फिर पहन के आए, ये हमारी सेफ्टी और मेरा ये पर्दा है, इसको ना हटाएं तो अच्छी बात। पहनना ज़रूरी है, हमारे बच्चों में सेफ्टी है, बगैर हिजाब थोड़ी ना कुछ बाहर निकल सकती हैं, वो तो पहनना ज़रूरी है, इसको आप क्यों हटा रहे हैं? राजनीति तो है ही है। ज़्यादातर जो लखनऊ की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, स्कूलों में जो पढ़ती हैं, उनका कहना है कि ये पूरा मामला दरअसल पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है और इसको जानबूझ करके अपने फ़ायदे के लिए उठाया जा रहा है। कोर्ट की इस पूरे मामले में जो भी राय हो, जो भी अपना आदेश हो, लेकिन लखनऊ में महिलाएं चाहती हैं कि उनकी बच्चियां जब वो खुद स्कूल कॉलेज जाएं तो हिजाब ओढ़ करके जाएं, क्योंकि इससे उनको सेफ्टी महसूस होती है। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।